रामायण का मशहूर पात्र कुंभकर्ण अपने आप में विलक्षण है। कहा जाता है कि उसका भाई रावण अपने समय का सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति था। उसके खानदान में एक से एक धुरंधर थे जिनकी बौद्धिक क्षमता तत्कालीन विश्व में अतुलनीय थी। लेकिन कुंभकर्ण का व्यक्तित्व स्वयं इतना रोचक था, उससे जुड़ी हर बात हर कहानी सचमुच हैरान करने वाली है। कुंभकर्ण रामायण का एक ऐसा पात्र था जिसका चरित्र धर्मावलंबी होने के साथ साथ राक्षसी प्रवृत्ति का भी था। कुंभकर्ण को आप अपनी शक्तियों के दायरे में रहकर क्या किया जा सकता है, यह जानने वाला राक्षस कह सकते हैं। वह रावण के जैसे अहंकारी ना होकर चतुर राक्षस था, साथ ही उसे नारायण की शक्ति का भी ज्ञान था। आज हम आपको कुंभकर्ण के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का संपूर्ण परिचय देंगे। दोस्तों, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है जो भारत की संस्कृति की पहचान है। रामायण पढ़ने से व्यक्ति सत्य और मानवता के रास्ते पर चलना सीखता है। रामायण की हर एक कहानी जितनी प्रेरणादायी है उतनी ही रोचक भी है। रामायण में बताए गए हर एक किरदार प्रभावशाली हैं। हर एक किरदार से जुड़ी कहानी हमें प्रेरित करती है और सीख देती है। रामायण के हर किरदार की तरह ही कुंभकर्ण की कहानी भी काफी रोचक और मजेदार है। कुंभकर्ण अपनी भूख और नींद के लिए काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि राक्षस कुल का होने के बावजूद भी 6 महीने तक सोता ही रहता था और एक दिन के लिए जागता था। दोस्तों, हर कोई जानता है कि कुंभकर्ण बहुत सोता था, लेकिन उसके सोने के पीछे की वजह क्या थी, यह शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। और आज के वीडियो में हम आपको रामायण के कुंभकर्ण की नींद के पीछे की असली वजह बताने वाले हैं कि आखिर किस कारण उसे 6 महीने तक सोने का श्राप मिला। साथ ही यह भी बताएंगे कि उसने अपने भाई रावण को युद्ध रोकने और भगवान श्री राम से माफी मांगने को क्यों बोला था। चलिए जानते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण की वह कहानी जो उसे ज्ञानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाला राक्षस बताती है। दोस्तों, कुंभकर्ण की कहानी जानने से पहले जानते हैं कि आखिर कौन था कुंभकर्ण। दरअसल कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। रावण के दो भाई थे, विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की माता का नाम कैकसी था, जो राक्षस कुल से थी। वहीं उसके पिता वृषरवा ब्राह्मण कुल से थे। यही कारण था कि रावण और उसके दोनों भाई, इन तीनों में ही राक्षस कुल के होने के बावजूद ब्राह्मण के भी गुण थे। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण राक्षस होने के साथ साथ बहुत बड़ा ज्ञानी और शिव भक्त भी था। लेकिन आपको बता दें कि कुंभकर्ण भी काफी ज्ञानी और बहादुर था। हालांकि इन दोनों भाइयों में राक्षस के गुण थे, क्योंकि यह दोनों अपनी माता के साथ काफी समय बिताया करते थे। लेकिन विभीषण ने अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताया था, जिसके कारण से उसमें राक्षस का गुण बिल्कुल भी नहीं था। और यही कारण था कि वह भगवान राम के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो दोस्तों, लिए अब हम आपको बताते हैं कुंभकर्ण को दिए गए श्राप की कहानी। दरअसल कुंभकर्ण बहुत ही विशालकाय शरीर वाला बुद्धिमान और ताकतवर राक्षस था। उसकी ताकत के सामने तो भगवान इंद्र भी डरते थे। कुंभकर्ण को हमेशा से ही खाने का बहुत शौक था। विशालकाय शरीर होने के कारण वह एक बार में ही हजारों लाखों लोगों का खाना खा जाया करता था। उसकी सेना और राज्य के दास खाना इकट्ठा करते करते थक जाते थे, लेकिन कुंभकर्ण की भूख समाप्त नहीं होती थी। एक दिन कुंभकर्ण ने सोचा कि यदि भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी जाए और उनसे वरदान में स्वर्ग का सिंहासन मांग ले, तो जीवन भर उसे पेट भर के खाना खाने को मिलेगा। यह सोचकर कुंभकर्ण और उसके दोनों भाई रावण और विभीषण ने उसके साथ तपस्या करना शुरू कर दिया। वह भगवान ब्रह्मा का नाम जपते हुए लंबे समय तक तपस्या करते रहे। इधर भगवान इंद्र को भी डर था कि कहीं भगवान ब्रह्मा इसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने को ना कहें, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो निश्चित ही कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन मांग लेगा। यह डर उन्हें सता रहा था, और यही चिंता लेकर भगवान इंद्र मां सरस्वती के पास पहुंच गए और अपनी सारी चिंताएं बताने लगे। इसके बाद माता उनकी मदद का आश्वासन देती है। उधर भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे, और फिर वह उन तीनों को दर्शन देते हैं। भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण को मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। कुंभकर्ण वरदान के रूप में इंद्रासन मांगने ही वाला था कि माता सरस्वती उसकी जीभ पर आकर विराजमान हो गई और इंद्रासन की बजाय निद्रासन बुलवा दिया। जब तक रावण और कुंभकर्ण यह समझ पाते, तब तक भगवान ब्रह्मा तथास्तु बोल चुके थे। इसके बाद जब कुंभकर्ण और रावण को इस बात का एहसास होता है, तो वह भगवान ब्रह्मा को वरदान वापस लेने के लिए विनती करते हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार दे दिया वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। इधर कुंभकर्ण को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह भगवान ब्रह्मा के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगता है।
तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं वरदान तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इस वरदान के प्रभाव को कम जरूर कर सकता हूँ। हमेशा निद्रा में रहने के बजाय अब तुम 6 महीने जागोगे और 6 महीने निद्रा में रहोगे, जिसके बाद से कुंभकर्ण 6 महीने तक नींद में रहता था और 6 महीने जागने के दौरान पेट भर के खाना खाता था। लेकिन इस 6 महीने के दौरान वह इतना खाना खा जाता था कि पूरी लंका में खाने की कमी हो जाती थी और खाना न मिलने की सूरत में वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता था, जिसके बाद वह अपने सामने आने वाली हर चीज को खाना शुरू कर देता था। रावण भी इस बात से बहुत परेशान था और उससे अपने भाई की यह हालत देखी नहीं जा रही थी, जिसके बाद रावण ने एक बार फिर से ब्रह्मा जी की तपस्या करी। और जब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने आते हैं तो रावण ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण के 6 महीने जागने के वरदान को बदलने के लिए कहता है, जिसके बाद ब्रह्मा जी वरदान को बदल देते हैं। और इस बार कुंभकर्ण के लगातार 6 महीने सोते रहने और 1 दिन जागने का वरदान देते हैं, जिससे कुंभकर्ण का सारा जीवन सोते हुए ही बीतता है। 6 महीने तक निरंतर सोने के बाद वह केवल 1 दिन के लिए जागता था और उस दिन बहुत सारा भोजन खाता था, मदिरा पीता था, नृत्य देखता था और फिर से सो जाता था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभकर्ण का जिक्र रामायण में तब होता है जब माता सीता का अपहरण कर लेने के बाद भगवान राम और उनकी वानर सेना के साथ रावण का युद्ध होता है। रावण की विशालकाय सेना जब भगवान राम की सेना के सामने हारने लगती है, तब अंत में रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेने की सोचता है। लेकिन उस समय कुंभकर्ण अपनी निद्रा अवस्था में होता है और इतने विशालकाय भाई को गहरी नींद से उठाना बहुत ही कठिन काम था। फिर भी उसने अपनी लगभग आधी सेना को कुंभकर्ण को उठाने के लिए भेजा। इधर रावण की लाखों की तादाद में सेना भाला, तलवार और सीढ़ी लेकर कुंभकर्ण को जगाने चल पड़ती है। उधर कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया हुआ था। पूरी सेना उसे जगाने की बहुत कोशिश करती है। कुछ लोग सीढ़ी के जरिए उसके पेट पर चढ़कर छल उछलकर उसे जगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग नीचे उसके शरीर पर भाले का वार करते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लाख कोशिश करने के बाद भी कुंभकर्ण नहीं उठता, तब सेना के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना इसे स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, क्योंकि कुंभकर्ण खाने का बहुत शौकीन था और शायद वह भोजन की सुगंध से उठ जाए। दोस्तों, ठीक यही हुआ। सभी सेनाओं ने विशाल मात्रा में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को जुटाया और भोजन की स्वादिष्ट सुगंध जब कुंभकर्ण की नाक में गई तो वह अपने आप ही उठ गया, जिसके बाद उसने भरपेट खाना खाया और खाना खाने के बाद वह सीधा अपने भाई रावण के पास गया। जब कुंभकर्ण रावण से मिला तो उसे रावण के द्वारा पूरी घटना का ज्ञान हुआ। रावण ने उसे बताया कि किस प्रकार उसने माता सीता का हरण कर लिया है, जिसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी है और किस तरह इस युद्ध में रावण के कई योद्धा और भाई बंधु मारे जा चुके हैं। स्वयं रावण भी श्री राम के हाथों परास्त हो चुका है, इसीलिए उसे समय से पहले श्री राम की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जगाया गया है। दोस्तों, उस वक्त कुंभकर्ण को यह आभास हो गया था कि श्री राम कोई और नहीं बल्कि नारायण का अवतार है और माता सीता स्वयं मां लक्ष्मी का। उसने भूतकाल में घटित हुई कुछ घटनाओं का उदाहरण देकर रावण को समझाने का प्रयास किया कि वह माता सीता को लौटा दे तथा भगवान श्री राम की शरण में चला जाए। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण पर क्रोध किया तथा उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। आखिर में जब कुंभकर्ण समझ गया कि अब रावण को समझाने का कोई फायदा नहीं है, तो उसने युद्ध भूमि में जाकर नारायण के हाथों मरने का निश्चय किया, जिसके बाद वह श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, जब कुंभकर्ण अपना विशाल शरीर लेकर युद्ध में पहुंचा तो वानर सेना में आतंक मच गया। यह देखकर कुंभकर्ण का छोटा भाई विभीषण उसे वार्तालाप करने आया। उसने कुंभकर्ण को श्री राम की सेना के साथ मिलकर धर्म का साथ देने को कहा, लेकिन तब कुंभकर्ण ने अपना धर्म अपने भाई वलंका के राजा के लिए लड़ना बताया। उसने विभीषण को भी गलत नहीं कहा और उससे कहा कि तुम अपने धर्म का पालन करो और मुझे अपने धर्म का पालन करने दो, जिसके बाद वह युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। कुछ ही देर में कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में भीष्म तबाही मचा देता है। वह वानरों को अपने पैरों तले कुचलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और उन्हें चबाकर खा रहा था। इसी बीच में उसका हनुमान, लक्ष्मण, अंगद आदि से भी युद्ध हुआ, लेकिन उस वक्त यह सभी उसको रोक पाने में नाकामयाब रहे। जब वानर नरेश महाराज सुग्रीव उससे युद्ध करने आए तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसकी योजना थी
कि यदि वह सुग्रीव को ही बंदी बनाकर रावण के सामने ले जाएगा तो उससे रामसेना का साहस टूट जाएगा। वह अपने राजा को बंदी बना देखकर निराश हो जाएंगे। उसने ठीक ऐसा ही किया, पर जब सुग्रीव को बंदी बनाकर रावण के महल की ओर वह जाने लगा तो पीछे से स्वयं भगवान श्री राम ने उसे चुनौती दे दी। कुंभकर्ण को पता चल गया था कि उसके सामने स्वयं नारायण आ चुके हैं और उसका अंत अब निश्चित है, लेकिन नारायण के हाथों मृत्यु होने से वह बेफिक्र था। उसने श्री राम के साथ भीष्म युद्ध किया तथा अंत में भगवान श्री राम ने इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट दी। उसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्म दंड चलाया जिससे कुंभकर्ण का सिर कटकर समुद्र में जा गिरा, और अंत में प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण के पेट को काटकर अलग कर दिया और इस तरह कुंभकर्ण का वध हो गया। दोस्तों, जब कुंभकर्ण के वध किए जाने की खबर रावण तक पहुंची तो रावण फूट फूट कर रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुंभकर्ण जिससे भगवान इंद्र राज भी डरते हैं, आखिर उसे एक आम इंसान ने कैसे मार दिया। लेकिन तभी उसको कुंभकर्ण की कही हुई बात याद आई कि श्री राम एक आम इंसान नहीं बल्कि भगवान नारायण का अवतार है। तब जाकर उसे अपने किए पर पछतावा हुआ कि उसने कुंभकर्ण की कही हुई बात आखिर क्यों नहीं मान ली। लेकिन फिर भी उसने अपना हट नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, यह थी कहानी रावण के भाई कुंभकर्ण की, जो राक्षस होने के बावजूद धर्म पर विश्वास रखता था। उम्मीद करते हैं कुंभकर्ण पर हमारी आज की यह पेशकश आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूले। आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।